माइकुआ का मुंह में घुसर देंगे। अरे के आयरन जो राइटर हैं उनके आप लोग घर तक पहुंच गए, उनके भाभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन सा मतलब है? हाथ मत करिए, हाथ मत उठाइए, पत्रकार पर हाथ मत उठाइए, जो बोल रहे हैं पत्रकार पर बहुत क्या कर लेगा रे? क्या फोकस कीजिए, देखिए पत्रकार को मार रहे हैं। तुम किसी का जान ले रहा है? तुम लोग पत्रकार है? मीडिया का मतलब पता है तुमको क्या होता है? माइक लेके अपने शिवम सिंह बंटी आप बहुत हाथ मत चलाइए, ठीक है? हाथ मत चलाइए बोल रहे हैं ना, हाथ मत चलाइए, हाथ मत चलाइए। पत्रकार लगता है तुम साला रे? मीडिया वाले पर ला देंगे, तुम ठीक है? मीडिया वाले साला को ला देंगे, मारेंगे साला कैमरा तो मारेंगे। देखिए मीडिया वाले शिवम सिंह बंटी इतना अश्लील के सपोर्ट कर रहे हैं और हम पर हाथ चलाए। आइए तो हम तबा तोड़ न्यूज से रंजीत राठौर जी और आपके ले चल रहे हैं शिवम सिंह को इंटरव्यू आज है और बोले थे कल लाइव आकर कि आइए हम शिवम सिंह स्टूडियो पर हैं, यहीं पर हैं, तो उनसे हम रूबरू करा रहे हैं। आइए आइए शिवम सिंह बंटी सिंह जो है गायक और कल लाइव आकर बोले थे कि जो भी मीडिया का इंटरव्यू लेना है हमसे आकर इंटरव्यू ले सकते हैं और हम उनके आवास पर गए, वहाँ पर नहीं मिले, पता चला कि स्टूडियो में वो हैं। तो यहाँ पर शिवम सिंह बंटी जी आइए, यहाँ पर कैमरा मैन इधर से फोकस कीजिए। आपका तबातोड़ भोजपुरी न्यूज में स्वागत है। अच्छा चलिए, बढ़िया बात है कि आप लोग यहाँ आए। और सबसे पहले ताबड़तोड़ न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है। और आपका परिचय? मैं ताबड़तोड़ भोजपुरी न्यूज़ से रंजीत राठौर जी। और आपको बता दें कि कल आप का लाइव हम वीडियो देखे थे जिसमें आप बोल रहे हैं कि जिस भी मीडिया को इंटरव्यू लेना है और जो गाना है चंदन चंचल का कि देवरा ढूंढी चटना बा अश्लील नहीं है, उस मैटर पर आप आकर लाइव बोले थे। हाँ बोले थे। तो क्या आपको ये गाना अश्लील नहीं लगता है? पहले तो आप आइए, इधर बैठ के बात किया जाए इस विषय। आइए आइए, कैमरामैन फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए, आप भी बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं जी। बोलिए, आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? क्या ये जो आपको जो आप लाइव आकर बोल रहे थे कि ये देवरा ढूंढी चटना बा सॉन्ग ये अश्लीलता नहीं है, अश्लील नहीं है, क्या आपको ये अश्लील नहीं दिख रहा है? किस हिसाब से? अगर ये गाना अश्लील होता तो दो नंबर पे ट्रेंड करता, ये पूरे इंडिया में दो नंबर पे ट्रेंड किया है, कई एक लाख लोगों ने इस गाने को देखा है और अच्छे अच्छे घर की लड़कियां जो हैं इस गाने पे रील्स बनाई हैं, वीडियो बनाई हैं। हम जो पूछ रहे हैं आपको यह अश्लील गाना लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस इतना बताइए। हम वो नहीं जानते, हम बस एक ही बात मानते हैं कि जनता जिस गाने को प्यार किया है, जिसको अपने सराखों पे रखा है, ट्रेंडिंग में पहुंचाया है, वो गाना अश्लील नहीं हो सकता है। क्या जनता को आप अश्लील कहना चाहते हैं? जनता ही ने वहां तक पहुंचाया है जी। भैया आप क्या आपको ढूंढी चटवा जो गाना है ये आपको अश्लीलता नहीं दिखता है? कहाँ से अश्लील है बताइए, क्या आप ये फैमिली के सामने सुन सकते हैं गाना? हैं? ये फैमिली के सामने आप अपना गाना सुन सकते हैं? देवरा ढूंढी चटना में नहीं बजता है, शादी ब्याह होता है मेरे तो यहाँ नहीं बजता, आपके यहाँ बजता है देवरा ढूंढी चटना बा? आज से 500 साल पहले से पूरे आपका बाप दादा भी सुने होंगे जी, भरत शर्मा से लेकर के गुडू रंगीला, राधे श्याम रसिया, विष्णु ओझा, माने जितना भोजपुरी के गायक हुए चाहे जो भी हैं, किसके गाना में इस पूरा देह का वर्णन नहीं है, हमसे बताइए आप। होता है पहले अब ये भरत शर्मा के ले लीजिए, बताइए कोई ऐसा गाना है जो देह का वर्णन है जिसमें भरत शर्मा का देह का नहीं? बताइए कौन सा सॉन्ग है, हम तो नहीं सुने हैं। सुनिए ना, ये जो गाना होता है ये इंटरटेन करने के लिए होता है ना, कि माइकवा का मुंह में घुसर देंगे। अरे थोड़ा दूर रख के बात करिए ना। अरे भाई हाँ दूर ही रखे हैं, आप तो चिल्ला रहे हैं इतना, मतलब क्या लगता है? सबसे पहले तो ये भोजपुरी का न्यूज वाला है लोग, हाँ ये सब बोलता है सब हिंदी, लोगों को इस बात पर शर्म नहीं आया, खाली गायक को टॉर्चर करता है। भोजपुरी सिंगर का इंटरव्यू लेने आए हैं, ठीक बा, आप बतिया रहे हैं हमसे हिंदी में, जिसके वजह से हमको भी आपसे हिंदी में बात करना पड़ रहा है। सॉरी, ठीक ठीक अच्छा ठीक है भैया, रौरा ये अश्लील गाना लागत है कि ना, बस देवरा ढूंढी चटवा बा ये अश्लील लागत है कि ना, बस कैमरा मैन फोकस कीजिए, हम जितना आपसे जौन पूछा था रौरा बताई। एगो छोट मोट कलाकार गाना गौलस की देवरा ढूंढी चटना बत रौरा अश्लील लग गई, ऐसे पहले ढूंढी पर गाना ना आयल रहे। कौन सा ढूंढी पर गाना बताइए हमको, आप एगो बात बताइए, ढूंढी पर गाना कौन कौन से? एकदम नहीं हुआ, नहीं नहीं हुआ जी, खाली माइक ये ढोढ़ी में ढोढ़ी में पानी तहरा अड़े लगी हो तो बुझिया जवानी तुहार चढ़े लगी हो, दादा का गाना तहरा इंटरव्यू लेवे ना गेला उनका भी। शिवम जी दादा बाप के मत कीजिए, ठीक है? तो क्या मीडिया कर्मी की इज्जत होता है कुछ, ठीक है? टॉर्चर क के लोग के जान ले ले लोग, किसी कलाकार शर्म लाज बाकी ना, ये पहले बताओ लोग के लाज शर्म तो लोग देखत रहो, तहरा लोग के लाज शर्म नहीं खेला कौन बुलाए जान देने के लिए, हम थोड़े बोले हैं। आप
तो आप ही के कारण ना पीके आयरन जो है, पीके आयरन जो राइटर हैं उनके आप लोग घर तक पहुंच गए, उनके भाभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कौन सा मतलब है? वो लिखा है, वो गया है, उससे पूछिए आप उसके परिवार को क्यों इंटरफेयर करते हैं? आज अगर उसको कुछ होता है तो उसका जिम्मेवारी आप लेंगे? इससे पहले सुनिए बात हमारा, सुनिए बात पहले, इससे पहले क्या गाना नहीं आया है? कौन सा आया बताइए? ढोड़ी में पानी तहरा ओड़े लगी, तहरा गोही ढोड़ी में बियर डाल दी का देवरा ढोड़ी ढोड़ी मुदले रहनी पियरी कांटी से देवरा मुआ जो पहले का, पहले का जो पहले का छोड़ दीजिए, अब अश्लीलता का विरोध हो रहा है, अब अश्लीलता का विरोध हो रहा है, ये अब अश्लीलता का विरोध हो रहा है, अब अश्लीलता का विरोध हो रहा है, पहले पहले के बात छोड़िए ना, पहले का बात छोड़िए, करिए हाथ मत उठाइए, पत्रकार पर हाथ मत उठाइए, जो बोल रहे हैं पत्रकार पर बहुत क्या कर लेगा रे, क्या क्या कैमरामैन फोकस कीजिए, देखिए पत्रकार को मार रहे हैं, ठीक है, हम जब मीडिया उतर जाएंगे ना आपको पता नहीं है, हाला मत करो, हाला सबसे पहले मत करो, आप हाथ क्यों उठाए पहले, अभी कुटवा देंगे भाई, पहचानता नहीं हो तुम, आप हाथ क्यों उठाए पहले, तुम उसी लायक है, ठीक ना, हाथ उठाने का जो तुम लोग काम कर रहे हो ये तब देखो, माइक ले लिए 2400 का, हल्ला करते चल रहा है, तुम यूट्यूबर लोग पत्रकार समझते अपने आप को, तुम लोग पत्रकार है रे, किसी का जान ले रहा है, तुम लोग पत्रकार है, क्या है पत्रकार नहीं तो क्या है, क्या है, तो जाकर तुम बड़ा स्टार लोग से कहे नहीं क्वेश्चन पूछा, इससे पहले असली नहीं गाना आया है YouTube पे, अच्छा अच्छा अश्लीलता का अब विरोध हो रहा है ना, अब उस दिन कहां गया था अभी, तुम अभी नहीं है YouTube पे गाना, आज से 50 साल पहले से कहां गया था तुम, अभी भी YouTube पे ये गाना है, YouTube पे जाकर तुम अच्छा गाना भी सुन सकता है, बढ़िया गाना भी है और खराब गाना भी है, ये आपके सोच पे आपके संस्कार पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गाना सुनते हैं, गूगल खोलेंगे आप तो गूगल पे गंदे वीडियो भी हैं और अच्छे वीडियो भी हैं, तो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गाना सर्च करते हैं, सही है जो भी है, बट आप मीडिया कर्मी पर हाथ छोड़े हैं, सारे मीडिया कर्मी भाई से बोले क्यों नहीं, हम ये बहुत गलत किए हैं, ना किस किस हिसाब से तुम अपने आप को मीडिया कह रहे हो कि ये एगो मोबाइल लेके आए, गो तुम आ गए हो माइक लेके तो तुम मीडिया हो गए, मीडिया का मतलब पता है तुमको क्या होता है, क्या होता है, आप लोगों को सही सही खबर पहुंचाना, ना कि हल्ला करना, किसी को टॉर्चर करके किसी को, इतना चिल्लाता है, बहुत हल्ला करता है, रात भर लगता है एगो निर्गुण लिखने में, एगो पूर्वी लिखने में, एगो गजल लिखने में, एगो भैरवी लिखने में, ये 4 मिनट का गीत तुमको सुनने के लिए पूरा देश तैयार है, तुम लोग को अच्छा नहीं लगता है, जब नहीं अच्छा लगता है तो मत सुनो, मत सुनो, अरे पब्लिक नहीं सुनेगा तो सिंगर काहे लगाएगा, पब्लिक सुनता है तो सिंगर गाता है, सिंगर नहीं गाएगा तो पब्लिक कहां से सुनेगा, अरे कहां नहीं सुनेगा जी, पब्लिक कहां सुनेगा बताइए, सिंगर नहीं गाएगा तो चंदन चंचल नहीं गाएगा, कोई और गाएगा, ठीक है, डीजे पे ये गाना बजता है तो वहां तुम डीजे को कहां नहीं फड़वा देता है कि नहीं गाना नहीं बजाना है, सुनो एक बात बताते हैं, तुम्हारे यहां शादी होता है तो शादी में क्या तुम हनुमान चालीसा बजाओगे कि मंगल भावना मंगल हर, ये गाना बजाओगे, जब आता है तुम लोग इंटरव्यू लेने आते हो, मोबाइल के बात छोड़िए शिवम जी, मोबाइल के बात छोड़ी, रौरा सुनी, रौरा देवरा धोनी चटना बस हमारा की बताई, जौन मुद्दा पर बात कर जाओ, रौरा ई भौजाई के सामने गाना सुन सकता नहीं, तो का ई जो देवरा देवरा धोनी चटना बा गाना है आप नहीं सुने हैं, हम नहीं की सुन ले, कैसे आ गया यहाँ, हाँ कैसे आ गया यहाँ पे, नहीं है सारे न्यूज वाला बना रहे, सारा न्यूज रिपोर्टर अश्लीलता के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग अश्लीलता के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, बनेगा तुम साधु रिपोर्टर हो, भाभी बड़ भाभी माँ समान होती है, पहले ये बताइए ना, माँ समान होती है, आप भौजाई को समझ सकते हैं, ढूंढ चढ़ना ही लिए माँ समान है तुम्हारे, हाँ हमारे लिए भी है, तो मोबाइल थोड़ा चेक करा, मोबाइल दो, मोबाइल मोबाइल शिवम सिंह मोबाइल छोड़िए ना, पहले मोबाइल शिवम सिंह को नहीं सुना है ना, प्रमोट कैमरामैन थोड़ा फोकस कीजिए, शिवम सिंह ये यूट्यूब है इसका, देखिए रुकिए, तुम क्या क्या सर्च किया है, सुनिए ना, छोड़िए ना, सुनिए सुनिए ना, शिवम सिंह दिखाने दो, ये मेरा मोबाइल है पर्सनल, मेरा पर्सनल फोन है, क्या सर्च किया है कि देवर भाभी का प्यार पार्ट 4, बाप रे बाप, यही तुम्हारा ये क्या है, अश्लीलता के खिलाफ बोलने आया है, हम देखे नहीं है, मेरा दोस्त देखा होगा, मेरा दोस्त देखा है तुम्हारा मोबाइल, मेरा दोस्त, हाँ फोन बीबी तुम्हारा घर में तुम्हारा दोस्त जाएगा, कैमरामैन थोड़ा इसको दिखाइए, सुनिए ना शिवम सिंह, मेरा ये फोन दीजिए ना, पहले फोन मेरा दीजिए ना, रुको फोन दीजिए, ठीक है इंटरव्यू देखिए, आप अश्लीलता के खिलाफ बोल रहे हैं ना, तो तुम भी अश्लील, फोन दीजिए ना, प्लीज फोन दीजिए ना, इधर आइए कैमरामैन थोड़ा दिखाइए इधर, तो इसका हिस्ट्री चेक किया जाए, अरे फोन दीजिए ना, क्या देख, देखिए ये देखिए, मेरे को कहने में भी शर्म आ रहा है कि ये क्या क्या फोन में चलाया है, और ये अश्लीलता, अरे फोन अश्लीलता मुक्त का फोन दीजिए ना मेरा,
फोन दीजिए श्याम सिंह। देखिए अभी शर्म आ रहा है, तुमको तो शर्म आना चाहिए। माइक लेके आपने श्याम सिंह बंटी आप बहुत ही हो, हाथ मत चलाइए, ठीक है? हाथ मत चलाइए, बोल रहे ना, हाथ मत चलाइए, हाथ मत चलाइए, हल्ला मत करो। तुम अश्लीलता के खिलाफ इंटरव्यू लेने आया, हाथ मत चलाइए। तुम सर्च कर रहा है इस बात को, तुम लात खाने वाला तुम लोग काम। आप लोग जो किए हैं ना, मीडिया मीडिया कर्मी, मीडिया कर्मी, आप मीडिया पर हाथ, पत्रकार की इज्जत ले रहे हैं, पत्रकार पत्रकार की इज्जत ले रहे हैं, पत्रकार का पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, आप लोग ये भूल रहे हैं। गोकुल सिंह पत्रकार है, पत्रकार लगता है तुम साला रे, पत्रकार इज्जतदार होता है। एक माइक लेके तुम पत्रकार बन गया, पत्रकार का पी भी तुमको पता है रे। सारा हीरोंची पत्रकार ये लोग है, सारा हीरोंची पत्रकार ये लोग है, हर दिन स्मोक। नहीं नहीं, यूट्यूब खोल लिया है, पत्रकार है। कहां से तुम किया है पत्रकारिता रे? कहां से पत्रकार? श्याम सिंह बंटी आप बहुत बुरा किए हैं। क्या बुरा? बहुत बुरा कि आप हम पर हाथ चलाए हैं, ठीक है? मीडिया वाले को जानते नहीं है, आप सड़क पर ला देंगे, सड़क पर ला देंगे मीडिया वाले, पर ला देंगे तुम, ठीक है? मीडिया वाले सड़क पर ला देंगे, मारेंगे सारा कैमरा तो मारेंगे। देखिए मीडिया वाले श्याम सिंह बंटी इतना अश्लील के सपोर्ट कर रहे हैं और हम पर हाथ चलाए, हम मीडिया वाले से इतना सिंगर वो हो गए हैं कि अश्लील के सपोर्ट कर रहे हैं। सारे अश्लील सिंगर है, सारे अश्लील भोजपुरी में बोल, हम लोग सोच रहे हैं कि अश्लील को हटाए। और देखिए इंटरव्यू लेने पर बुलाए हैं, खुद बोले थे लाइव में आकर कि हम इंटरव्यू लेना है, तो आइए, लाइव आए थे कॉल और हम आए थे यहाँ पर। देखिए मेरे साथ जो क्या हालत हुआ है, ठीक है? आप लोग सारे मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए और देखिए, एकजुट होना है, ठीक है? और अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाना है। हम तबतोड़ भोजपुरी न्यूज से बोल रहे हैं रंजीत राठौर जी, और आइए आप सब एकजुट होना है। श्याम सिंह बंटी हमको बुलाकर अपने स्टूडियो में हम पर हाथ चलाए हैं।